अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? सब खैरियत है, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे। तो जी, आज का एक जो व्लॉग है बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो आज का व्लॉग जो है ये सब व्लॉग से हट के है। मतलब मैं 90 के करीब वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज का व्लॉग जो है वो उन सब वीडियो से हट के है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको काइंडली पूरा व्लॉग देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव है, आप इंजॉय करेंगे। और ये किस लिए बना रहा हूँ मैं, ये आपको व्लॉग के एंड में बताऊँगा। मौत नीचे ही अपनी अपनी जगह पर हो रही है। जैसे आपने क्लास इतनी जोर से करें कि पता लगे कि पंचू है या आगे हो क्या हुआ है। खड़क की आवाज आएगी यूनिफॉर्म से, क्लियर? आवाज आएगी यूनिफॉर्म में से, झटका लगेगा यहां से आवाज आएगी। नी हाँ ठीक है, सन शी गो रुक सेज आज बड़े गंदे सीधे कू जो जमें जोई कदम बराए अजमें चेक करने माइक नहीं करेंगे आपकी टांगे एक दूसरे पे लगे ना, अपनी पोजीशन थोड़ा लाइन तोड़ दे, बेशक किक आगे वाले को ना लगे, ठीक है? कमें माइक भी चूरा नी आवाज आए आवाज आए सन गो रुक सेच टांग पीछे नहीं था मालूम है कि टांग पीछे पीछे जाएगी टांग टांग आगे ये टांग पीछे ठीक है जोर से करें नी सन शी गो साइड में उस एच नी सन शबाश शबाश शी गो जमे योई चिकन सोकी करेंगे अगेन ठीक है और एच जोर से नी सन शी गो रुक सेच आज कू जो यमे योई सिर्फ आपने ये करना है कि मुंह उधर को करना है आपने ठीक है ओके एच नहीं बेटा वापस 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 सारे वापस सारे वापस सारे वापस पीछे वाली टांग को आगे ले जाऊं कुछ नहीं करना, पिछले वाली टांग को उठा के इधर करना है। ये खड़े हैं आप लोग, अगर ये खड़े हैं ठीक है टर्न करना उधर को एच बस हाँ उधर को होना चाहिए मुंह हाथ पावरफुल हो टांगे सही हो घुटने बाहर की तरफ हो क्लियर एच शाबाश। अब जाको गिरी करेंगे यहीं से जाको गिरी कैको मी ये देख लें पिछली टांग जो आपकी टांग है ये टांग के आगे आएगी पीछे वाली टांग को उठाएंगे घुटना आपके ऊपर आएगा शोल्डर के बराबर पैरों को खींचेंगे एच के साथ जाको गिरी कैको मी बंद करेंगे और वापस आएंगे वन टू थ्री क्लियर एच एच ओके जी शाबाश किक जाको गिरी जी शाबाश बेटा जी ओके आप सबने मौसी करी मारी है करें आप आगे अमजद 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 गलतियां ठीक करें यहाँ पे खड़े होकर ताकि दोबारा गलतियां ना होने वाली बाकी लोग भी समझे और सुने देखें मैंने से किक मारनी है जाको गेरी अब इसने क्या किया कि इसने इस टांग को पीछे रखा जिस टांग से किक मारनी है उस टांग को आगे रखा अब देखिए मेरी बॉडी किधर होगी इसकी वजह से बॉडी किधर होगी मेरी इधर को मेरा दुश्मन किस तरफ को है पहली बात गलती दूसरी बात यह कि जब मैं किक उठाऊंगा तो मेरा बॉडी वेट इधर को और सिर्फ टांग इधर को अगर वो पीछे हट जाता है तो ये मेरे टांगों पर क्रॉस हो गया इसके बाद मजीद आगे चलने की गुंजाइश है मेरे पास नो अच्छा इसे मैं करता हूं अगर यूं उस टांग को आगे रखूं उस टांग को पीछे रखूं अब मेरा मुंह किधर को है मेरा बॉडी वेट किधर को है मैं किक मारूंगा तो मेरा वेट किसके ऊपर जाएगा पहली बात आगे पीछे भी हट जाता है तो मेरे पास कितनी गुंजाइश आगे जाने की टांगे क्रॉस नहीं हो रही मेरी आगे तो
याको गिरी जब मारेंगे तो वो दोनों टांग जब क्रॉस होंगी, जिस टांग से किक मारनी है पीछे होगी ताकि आपकी बॉडी उसके ऊपर जाए, देन आप से किक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी गलती जो आप सब कर रहे हैं, टांग उठा के आप यू मारते हैं, बाहर से लाते, ये है मवाशी गिरी। किक बंद होकर यू आएगी तो मवाशी गिरी है, याको गिरी सामने बंद होगी यहां पे और यहां से निकलेगी यू बिल्कुल, ये इसके हाथ ऐसे है, ठीक है। आप इसे जिस तरह ला रहे हैं बाहर से मारेंगे तो ब्लॉक पे लगेगी, वो तो मशीन के ऊपर मारूंगा मैं, ये अंदर जाएगी इसके अंदर, क्लियर। रिपीट, जिस टांग से किक मार रही है वो पीछे होगी, हाथ ऊपर होंगे, ये पैर सामने आएगा, मौसी गली की तरह यहां पर नहीं होगा, उंगलियां खींची होगी या पैर कैच लगेगा या एड़ी मारेंगे उसे, अच धक्का देना तो पूरा पैर, हिट करना है चोट लगानी है तो एड़ी, क्लियर। क्या है लड़ाई होती है ना तो लड़की तो बारे पड़ती है, अब कैसे सुना रहे, अच्छा आता है आपको, आता है पीछे बाल पकड़ लिए तो क्या करेंगे, खुद नहीं गिरना पीछे नीचे बैठ गई, खुद पीछे खुद पीछे हटना, ठीक है। एक आप लोगों ने ये ये देखिए ये मशीनरी है, जहां क्या कोई नहीं देखिए क्या हाल है सर, ठीक है, सब खरीदे थे। जी तो ये अब क्लोजिंग सेरेमनी है, सारे बच्चों को यहाँ पे जो है वो प्राइजेस दिए जाएंगे। ड्राइवर है आपके, तो घर कौन कौन है,
घर तो नहीं पंच मारोगी किसी को जाके, आपका पंच बहुत मजे का है, किसी को आपने मार दिया तो फिर शिकायत। सारी सारी इस बच्ची की किक्स भी कमाल है, बहुत पावर है, बहुत पावर है। जी ये आपको वीडियो दिखाने का मकसद ये है। आज सर आए थे, शाबाश की नाम है ना आपको, अच्छा बात जी। एक बच्चा था जिसे मैंने कहा था, जो उसके दो फाइटर कराए थे, इधर बेटा जी, अरे आपकी मैं दो तीन फाइटर करवाई थी। क्या नाम है बेटा आपका, आप कहाँ से आते हो, कौन है साथ आपके यार, किससे आए, अकेले आए हो, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आपने जो है ना छुट्टी कोई नहीं करनी, क्या नहीं करना, फाइटिंग ही रोज करनी है, गुड शाबाश, नाम है आपके। मेरी वीडियो बन रही, वीडियो बन रही है, बस मेरे भैया जी। अभी ये जो है ये कोई स्पेशल परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है, जो मेरे ब्लैक बेल्ट स्टूडेंट्स हैं ना के दो तीन, इनके बच्चों ने कराटे करने शुरू किए हैं, तो जस्ट मैं उन्हें ये इनाम नहीं, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। इनाम और गिफ्ट में फर्क पता है आपको, क्या क्या फर्क होता है इनाम और गिफ्ट में, यस इनाम जो है जिस तरह अभी मैंने बच्चों को 100 रुपए दिया, ये इनाम है। गिफ्ट आप किसी से मोहब्बत की वजह से देते हैं, तो आप लोगों को क्या चाहिए जिंदगी में, इनाम के गिफ्ट के दोनों ही, दोनों ठीक है वैसे ना, दोनों रवैया ऐसा रखें कि लोग आपसे इतना मोहब्बत करें आपके साथ साथ कि वो आपको गिफ्ट दें, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो कि आप इनाम लेके, दोनों होने चाहिए ठीक है। तो मुझे नामों का नहीं पता, नाम बोलते हैं सफदर पापुल की बेटी जो है ना उमर, उमर सफदर, इसे करना क्या, लेकिन करेंगे क्या इसे, ये नंबर नहीं है, ये पंच की प्रैक्टिस के लिए है, बता दो। चलिए मैंने आपसे फाइट करनी है, कब करूंगा फाइट आगे आपसे, मेरी आपकी फाइट कब होगी सर, नेवर, नहीं नहीं करेंगे, कैरी करनी है आपने ठीक है, ये ले लीजिए गिफ्ट आपके लिए, चल जी सर। आप समझ रहे हैं कि दूसरा आदमी गलत कर रहा है, टीचर गलत कर रहा है, रेफरी गलत कर रहा है, या पार्टनर गलत कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि कराटे सबसे पहले आपको क्या सिखाती है, डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है आप कराटे नहीं सीख सकते, डिसिप्लिन आपको मेरा गली में लड़ने से आपको रोकता है। जब से मैंने कराटे शुरू किया मेरी गली में कभी लड़ाई नहीं हुई, हाँ मैंने 4 दफा डाकू पकड़े हैं, मैंने इनका सारी छीने, मेरे घर ट्रैफिक की तरफ पड़ा हुआ है, मेरे घर आके देखेंगे तो वहां से वो छीने रस्ते पड़े हुए हैं, डाकुओं से लड़ा हूँ, चोरों से लड़ा हूँ मैं, मैंने गली में कभी नहीं लड़ा, क्यों, मेरा वो मुकाम नहीं है कि मैं गलियों में लड़ता फिर ना, फिर लड़ लिया उसको कुछ कह भी दिया तो ठीक है, उसे वहां पे इग्नोर कर दो, बाद में देखा जाएगा। गलियों में लड़ना, आपस में लड़ना, घर जाके बदतमीजी करना, उस बच्ची का पंच बहुत अच्छा है, मैंने क्या समझाया उसे, मैंने कहा घर जाके पंच नहीं मारना, समझ रहे ना बात, इसी तरीके से टीचर आपको कई चीजें बता रहा होता है आपके नजदीक, इस वक्त शायद वो समझ नहीं आ रही होती है, पता नहीं क्यों कह रहा है, शायद टीचर अपनी वजह से कह रहा है, लेकिन टीचर की नजर बहुत दूर तक देख रही होती है, वो आपके फ्यूचर को देख के बात कर रहा होता है। तो आप कहते हैं बाहर बाल सी, तो जो टीचर की बात मानता है, सुनता है, ट्रेनिंग करता है, देखिए थोड़ी सी बात रहने के वाले बेटा, दिखाओ मुझे, कोई भी टीचर जो है वो छुपके ट्रेनिंग नहीं कराता। मेरे टीचर थे वो क्लास कराने आए, और कोई 60-70 की क्लास थी हमारी, क्लास बहुत बड़ी बड़ी होती थी, उन्होंने सिर्फ एक दफा क्लास में कहा कि आप लोग 125 किलो के डंबल बनवा रहे हैं, 125 किलो के, ये 600 ग्राम के बच्चों के लिए हैं, 125 किलो के डंबल बनवाए, उन्हें पकड़ के ना पंच की प्रैक्टिस किया करें आप, जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मसल्स बॉडी को आदत होगी 125 किलो वेट लेके जाने की, जब आप फाइट करेंगे खाली हाथ से पंच करेंगे तो ना बेटा बॉडी की तरह पंच जाएगा, रुकेगा भी नहीं, और दूसरा बंदा दोबारा फिर आपसे फाइट भी नहीं करेगा, वही हुआ। लेकिन उस 70 बंदों में से किसी ने टीचर की बात नहीं सुनी, सुनी सारों ने थी, अमर ने किसी ने किया, मैं वो बाहर बंदा था जिसने जाकर डंबल लिए और प्रैक्टिस करनी शुरू की, उसके बाद जिसे मैं पंच मारता था वो फाइट नहीं करता था मेरे से दोबारा, तो बात मानने का नतीजे ना ये।
अच्छा तो व्यूअर्स ये था आज का व्लॉग। इस व्लॉग बनाने का जो मकसद था मेन वो ये था कि आपको दिखाया जाए कि किस तरह अपने बच्चों में शौक पैदा करें कि वो हेल्दी गेम्स खेलना सीखें, जिसमें मार्शल आर्ट है जो सबसे अहम है, जिसमें आप अपना सेल्फ डिफेंस भी आप सीख सकते हैं और मुस्तकबिल में भी आपके ये गेम बहुत काम आती है, आपके बच्चे को ये एतमाद बख्शती है, पूरे एतमाद करती है। और यही आज के व्लॉग बनाने का मकसद था और आपको ये सारी जो प्रैक्टिस है ये सारी जो गेम है ये दिखाने का यही मकसद था। तो चलते हैं जी, मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।